हे गाइस, कैसे हो? हेलो बच्चों, आज का टॉपिक जो है हमारा वो है सिंथेटिक रबर्स के बारे में। 12th क्लास का रबड़ का टॉपिक चल रहा है पॉलीमर्स में। और रबड़ में हमने पहले नेचुरल रबड़ पढ़ा, फिर वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ पढ़ा, और आज पढ़ने वाले हैं सिंथेटिक रबड़। अगर आपने नेचुरल रबड़ का मोनोमर याद किया होगा और समझा होगा, उसी नेचुरल रबड़ के हमने पॉलीमर्स में जो मोनोमर था उसमें हमने सल्फर डाला था, तो वल्केनाइज हो गया था, क्वालिटी बढ़ गई थी रबड़ की। और आज नेचुरल रबड़ का जो मोनोमर है उसमें होता है 2-methyl-1,3-butadiene। 2-methyl के बोले 2-chloro होगा और 1,3-butadiene से ही हमारा शुरू हो जाना है आज का टॉपिक, हमारा सिंथेटिक रबड़ का मोनोमर्स। और साथ में उसमें एक स्टेरिन आ रहा है। पहले सिंथेटिक रबड़ होता क्या है? लेबोरेटरी में बनाया गया मैनमेड रबड़, उसको हम सिंथेटिक रबड़ बोलते हैं। बच्चों जरा पेन कॉपी निकालिए और लिखना शुरू कीजिए और बिंदास होकर पढ़िए, रिलैक्स्ड मूड से पढ़िए, यार मजा आएगा पढ़ने का। तो शुरू करते हैं हम। ये 5th लेक्चर चल रहा है हमारा पॉलीमर्स का। सिंथेटिक रबर्स यानी कि मैन मेड रबर्स, दे आर मोर फ्लेक्सिबल, टफर एंड ड्यूरेबल, काफी मुनियाद होती है, काफी देर चलते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। आपको पता है जो चीज फ्लेक्सिबल होती है वो अच्छी होती है। जैसे आपने सुना होगा जुकता वो है जिसमें जान है, आकड़ तो मुर्दों की पहचान है। तो ये फ्लेक्सिबल रबड़ है, जो फ्लेक्सिबल होता है वो अच्छी चीज होती है। दे आर मोर फ्लेक्सिबल, टफर है, ये टफ भी है, हार्ड एंड ड्यूरेबल, वो चलने वाला है मार्केट में, देन नेचुरल रबर। नेचुरल रबर्स में ये क्वालिटीज नहीं होती है, इसमें ये क्वालिटी है, ये भी रबड़ है, सिंथेटिक है ना। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सिंथेटिक रबर्स हैं बच्चों, वो कौन कौन से हैं जो आपने 12th में पढ़ने हैं, और भी बड़े हैं लेकिन आपने आपके काम की चीजें जो है वो मैं बता रहा हूँ। तो पहला है नियोप्रीन, NEOPRE, नियोप्रीन रबड़ है, ये सिंथेटिक रबड़ है। फिर दूसरा ब्यूना एस, तीसरा ब्यूना एन। अब बोलो सर ये ब्यूना एस ब्यूना एन क्या है? तो एस में इसका मतलब इसके मोनोमर में जब इसकी को पॉलीमराइजेशन करेंगे हम तो इसमें सोडियम डालते हैं तो एन बन गया सोडियम, वहां से एस में स्टायरीन से एस आ गया हुआ सोडियम, आ गया ब्यूना एस में आ गया सोडियम और उस एक में स्टायरीन डाला जाता है। देखते हैं पहले आगे पढ़ते पढ़ते साथ साथ क्लियर हो जाएगा। तो पहले चलते हैं नियोप्रीन। देखो इट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। अब लो फ्री रेडिकल क्या होता है, ये मैकेनिज्म क्या होता है, इसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो देखिए इसमें क्लोरोप्रीन लेना है, क्लोरोप्रीन होता क्या है, 1, 2, 3, 4 सी डालिए एक लाइन में और 2 नंबर पर सीएल ग्रुप लगाइए, एंड नंबर ऑफ क्लोरोप्रीन। और ये मोनोमर जो है ये होमो पॉलीमर है, एक ही मोनोमर से बना हुआ है। तो ये मोनोमर क्लोरोप्रीन है, इसकी पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो आप देखिए यहाँ से जो बांड है, इस ये वाली बांड ब्रेक होती है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर को जाता है एक अंदर, यहाँ से ब्रेक होती है एक अंदर एक बाहर, यहाँ रखना एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, अंदर वाला इधर आएगा अंदर वाला इधर आएगा, 2 और 3 के बीच में डबल बांड बन जाएगी और ये सिंगल हो जाएगी और बच्चों ये बन गया नियोप्रीन। वेरी सिंपल। और इसी की तरह से आप जोड़ते जाइए, 1-4 पर लिंकेज करिए तो लंबा चौड़ा रबड़ आपको मिल जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज पर आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नियोप्रीन। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ नियोप्रीन्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू नेचुरल रबर की तरह ही होते हैं। और नेचुरल रबर में तो इतनी अच्छी क्वालिटीज नहीं होती है, फिर इसमें एक्स्ट्रा कुछ क्वालिटीज हैं, बट नियोप्रीन इज मेड मोर रेजिस्टेंट टू एक्शन ऑफ ऑयल्स। ऑयल्स के लिए रेजिस्टेंट है ये, गैसोलीन के लिए रेजिस्टेंट है ये, एंड हाइड्रोकार्बन से भी ये रेजिस्टेंट है, इनके उससे खराब नहीं कर सकते इनको ये। इट इज रेजिस्टेंट टू सनलाइट, सनलाइट में खराब नहीं होता, ऑक्सीजन में, ओजोन से खराब नहीं होता, एंड हीट से। इट इज नॉन इनफ्लेमेबल, इसको आग नहीं लगती है। इट इज यूज फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल्स, नॉन इनफ्लेमेबल है, आग नहीं पकड़ता है, इसलिए इसको गाड़ियों के कुछ स्पेयर पार्ट बनाने के लिए और रेफ्रिजरेटर फ्रिजों के पार्ट बनाने के लिए यूज होते हैं। पार्ट्स एंड होसेस फॉर पेट्रोल की पाइप्स बनाने के लिए, होसेस मीन पाइप्स, एंड ऑयल कंटेनर्स
के लिए भी इसको यूज करते हैं। इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स एंड कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट होती हैं इसमें मसाला लिया जाता है, कभी पावर हाउस बनाते हैं ना बेल्टें बनाई जाती है इसकी। तो ये था बच्चों हमारे पास पहला जो हमने सिंथेटिक रबड़ पढ़ा वो था नियोप्रीन। और आइसोप्रीन पता हो, आइसो में यहाँ CH3 होता है, उसमें CL लगाई है। आइसोप्रीन जो होता है नेचुरल रबर का मोनोमर है, और यहाँ CL लगा दिया याद हो जाता है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आता हूँ ब्यूना एस। ब्यूना एस का एक और नाम है SBR। SBR भी स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, एक स्टायरीन है इसमें तो एक ब्यूटाडाइन हो गया SBR, इसलिए दूसरा नाम इसका। ब्यूना एस रबर इज एको पॉलीमर ऑफ थ्री मोल्स ऑफ ब्यूटाडाइन, इसके तीन मोल्स लेने हैं एंड वन मोल ऑफ स्टायरीन, एक मोल स्टायरीन का और इसके तीन मोल लेने हैं तो आगे को पॉलीमर बन जाएगा। देखिए हमने लिखा ये ब्यूटा 1,3-diene बनाया हुआ है और यहाँ स्टायरीन लिया हुआ है और इसमें जब इसकी पॉलीमराइजेशन करनी है तो सोडियम डालना है, इसको हीट करना है, तो S स्टैंड फॉर सोडियम और इसलिए इसका नाम बन गया ब्यूना एस। एस माने सोडियम, ब्यूना मेन ब्यूटा 1,3-diene इसमें पड़ा हुआ है। मैंने फिर बोला आपको कि इसका SBR नाम भी है। ब्यूना एस रबर इज ए को पॉलीमर ऑफ थ्री मोल्स ऑफ ब्यूटाडाइन एंड वन मोल ऑफ स्टायरीन। इन ब्यूना एस BU स्टैंड फॉर ब्यूटाडाइन एंड ए फॉर सिंबल ऑफ सोडियम, जिसको हालांकि कैपिटल एन होता है लेकिन वहाँ हम छोटा लिखते हैं यहाँ इस नाम में। विच इज पॉलीमराइजेशन एजेंट, ये सोडियम जो है पॉलीमराइजेशन एजेंट है जो इनको जोड़ने में मदद कर रहा है। एंड स्टैंड फॉर स्टायरीन और S स्टैंड फॉर स्टायरीन, तो S का मतलब हो गया स्टायरीन। इट इज एन इलेक्ट्रोमर्स, जनरल पर्पस स्टायरीन रबर भी बोलते हैं इसको, यानी कि इसका एक और नाम है जनरल पर्पस स्टायरीन, GRSB बोलते हैं इसको, स्टायरीन की बात कर रहे हैं। अब कहते हैं इट इज, अब देखिए रिएक्शन, ये ब्यूटा 1,3-diene का फार्मूला वही जैसे आइसोप्रीन में चलते आया, लेकिन वहां क्या था, एक ये एक नंबर है, ये दो नंबर है, ये तीन नंबर है, ये चार नंबर है। वहाँ क्या था, देखिए ये बांड ब्रेक होगी, एक इलेक्ट्रॉन बाहर को एक अंदर को, इसका भी एक बाहर को एक अंदर को, तो चेन ओपन हो गया। वहाँ क्या था, दो नंबर पर आइसोप्रीन में दो नंबर पर CH3 था, क्लोरोप्रीन में दो नंबर पर CL, यहाँ कुछ नहीं है दो नंबर पर, ये ऐसे ही है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं रहेगा। और ये बन इसके साथ स्टायरीन जुड़ेगा, आप बोलो सर स्टायरीन कैसे जुड़ेगा यहाँ से, हमें तो कोई तरीका नहीं इसका दिखाई दे रहा है। तो बच्चों देखिए स्टायरीन के जुड़ने का तरीका यहाँ से ये है, स्टायरीन में यहाँ डबल बॉन्ड है, ये जब डबल बॉन्ड है इस एच को आप ऊपरी साइड लिख दीजिए, ऐसे कर देता हूँ इसको, ये एच ऊपर लिखे हैं मैंने, ये एच ऊपर की तरह लिखा, तो ये देखिए आप लिखिए, ये जब ये डबल बॉन्ड कटेंगे ना इस एच को भी धोखा कर रहा है, तो हम इसको ऊपरी साइड लिख देते हैं, ये एच जब इस ये बांड कटेगी ना तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर पाएगा एक अंदर को, तो यहाँ हो जाएगा देखिए एक बाहर एक अंदर, तो ये स्टायरीन का फार्मूला है। और ये एन टाइम है ना हमने, तो यहाँ भी तो जब ये जुड़ेंगे देखिए यहाँ पर ये बांड देखिए, ये बांड जब ब्रेक होगी तीन नंबर और दो नंबर वाली, इसका इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, इसका भी अंदर आएगा, तो यहाँ एक दो तीन के बीच में डबल बांड, चार पाँच छः लंबा छोड़ा चेन बन जाएगा ये, तो ये बेंजीन की रिंग यहाँ हैंग कर जाएगी इसके दूसरे नंबर पर, क्योंकि इधर से इसमें ऊपर रहना बाहर, तो बेंजीन की रिंग यहाँ आएगी इस जगह पर आ जाएगी। ये भी देखिए एक दो तीन चार बांड है यहाँ पर, और जैसे ही बेंजीन की रिंग यहाँ जुड़ने आएगी एक दो तीन चार फिर एच भी लगना है ऐसे एच, तो यहाँ से जैसे ही कटेगा ये एच, तो देखिए ये एच बच जाएगा ऊपर, आगे वैलेंसी पूरी कर दीजिए इसकी, चार पूरी वैलेंसी है इसकी, यहाँ देखिए यहाँ पर पूरी वैलेंसी है, वैलेंसी चेक कर ही सकती है, तो ये स्टायरीन बन जाता है यहाँ पर। इसको SBR और ब्यूना एस भी बोलते हैं। ब्यूना एस इज जनरली कंपाउंडेड विद कार्बन, इसमें कार्बन ब्लैक डाला जाता है एंड वल्कनाइज विद सल्फर, और सल्फर वल्कनाइज का मतलब सल्फर की एडिशन करना, उसे क्रॉस लिंक्ड बन जाते हैं। तो इट इज एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू वेयर एंड टीयर, ये फटता नहीं है, वेयर टीयर के लिए बड़ा रेजिस्टेंस है, देयर फॉर यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ टायर्स एंड अदर मैकेनिकल रबर्स, इससे भी टायर बनता है और दूसरे मैकेनिकल रबर बनते हैं।
मैकेनिकल रबर गुड्स रबर की चीजें बनाई जाती है। इट इज ऑब्टेंड एज ए रिजल्ट ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ इट्स मोनोमर्स। इसमें दो मोनोमर्स होते हैं, एक ब्यूटाडाइन एक स्टाइरीन। पूछते हैं कई बार के ब्यूनाइस के मोनोमर्स का नाम बताइए और उसके बाद नियोप्रिन के मोनोमर्स का नाम। नियोप्रिन का पूछा तो क्लोरोप्रिन, ब्यूनाइस का पूछा तो ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन। अब बच्चों नेक्स्ट तीसरे किस्म का सिंथेटिक पॉलीमर जो है हमारे पास वो है ब्यूनाएन, BUN ए ब्यूनाएन। इट इज ऑब्टेंड बाय कोपॉलीमराइजेशन ऑफ ब्यूटाडाइन एंड एक्रिलोनाइट्राइड। देखो बच्चों ये एक्रिलोनाइट्राइड दो सी है ना, एक के ऊपर CN लगा देना, इसको एक्रिलोनाइट्राइड बोलते हैं। और एक मोनोमर इसका 1,3-ब्यूटाडाइन, वैसे ही यार जैसे पहले चलता आया। सिर्फ मैंने कहा ना जब हमने नेचुरल रबर बनाया था वहाँ दो नंबर पर CH3 का, जब हम आए थे इसमें नियोप्रिन में तो वहाँ CL हो गया, और जब इसमें आए ना ब्यूनाइस में तो ये ऐसे ही रहा। एकदम जो ब्यूनाइस का मोनोमर है वही इधर भी है। एक मोनोमर तो सेम है लेकिन दूसरा एक्रिलोनाइट्राइड है, जैसे वहाँ स्टाइरीन था यहाँ एक्रिलोनाइट्राइड है। इसकी देखिए एक डबल बॉन्ड जब भी ब्रेक होती है एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, एक बॉन्ड खुल गया एक बाहर को एक अंदर को। बाकी इसका देखिए ये जब खुलेगा इसका एक इलेक्ट्रॉन अंदर एक इलेक्ट्रॉन बाहर है, इसका भी ऐसे ही हो गया। तो ये जुड़ गए सारे, ये कितने हैं, ये तीन हैं, चार ये हैं और इसके दो हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टोटल हैं। लेकिन यहाँ देखिए डबल बॉन्ड दो और तीन के बीच में है, डबल बॉन्ड यहाँ होने से ये खुला, इसमें ये चेन खुलने में हमें फायदा हुआ। ये बन गया ब्यूना एन। अब बात आती है इट इज ऑब्टेंड बाय कोपॉलीमराइजेशन ऑफ ब्यूटाडाइन एंड एक्रिलोनाइट्राइड। एक्रिलोनाइट्राइड का जनरल पर्पज रबड़ भी बोलते हैं, एक्रिलोनाइट्राइड भी बोलते हैं जनरल पर्पज एक्रिलोनाइट्राइड, आज GRA भी बोलते हैं। एक्रिलोनाइट्राइड की बात कर रहे हैं, इट इज वेरी रिजिड एंड इज अब ब्यूना एन की प्रॉपर्टीज, इट इज वेरी रिजिड एंड इज वेरी रेजिस्टेंट टू एक्शन ऑफ पेट्रोल लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड मैनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इट इज मेनली यूज फॉर मेकिंग फ्यूल टैंक्स, फ्यूल के टैंक्स बनाए जाते हैं बच्चों। इस तरह से आज का टॉपिक हमारा यहाँ इतना, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।